हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं वर्षा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग डीआईवाई शेयर करने जा रही हूं। इस डीआईवाई में हम यूज करेंगे ओल्ड यूज्ड जीन्स का और हमारे रखे हुए कुछ ओल्ड दुपट्टों का। इस तरह से आप अपने पास रखे हुए इन ओल्ड फैब्रिक के साथ बहुत ही बढ़िया टेबल कवर बना सकती हैं और इन टेबल कवर्स को बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपको स्टिचिंग नहीं भी आती है तो बस आपको इन पर कुछ सिंपल सी स्टिचिंग लगानी है जिसे आप हाथ से भी लगा सकती हैं। तो चलिए इस तरह के ओल्ड फैब्रिक का हम ये न्यू क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। अपनी बेड साइड टेबल्स के कवर्स को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये ओल्ड और यूज्ड जीन्स। यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने टेबल्स का मेजरमेंट ले लिया है और उसी के अकॉर्डिंग मैं जीन्स को नीचे से मेजर करते हुए कट कर लूँगी। जितनी आपकी टेबल्स या फिर स्टूल की लंबाई और चौड़ाई है उसी के अकॉर्डिंग आप इस जीन्स को कट कर लें। यहाँ पर मैंने अपने स्टूल या टेबल के अकॉर्डिंग इसे कट कर लिया है और जीन्स का जो ये ऊपर का पोर्शन बचेगा कट करने के बाद, इसे भी आप बहुत ही अलग अलग तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकती हैं, जिसका डीआईवाई आप मेरे आने वाले वीडियोस में देख पाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने टेबल्स के अकॉर्डिंग इस जींस को नीचे से कट कर लिया है और बीच की जो ये सिलाई है इसे हम खोल लेंगे, जिससे कि हमारी टेबल्स की चौड़ाई भी हमें मिल जाएगी। बेड साइज टेबल वैसे भी थोड़ी छोटी ही रहती है तो ये जींस की चौड़ाई परफेक्ट है हमारे बेड साइज टेबल्स के कवर्स के लिए। अब यहाँ पर मैंने ये बीच की सिलाई खोलने के बाद इसके चारों सीम्स पर ये स्टिचिंग लगा दी है, जिससे कि एक अच्छी तरीके से फिनिश आ जाएगी। और इस बेड साइड टेबल को कवर्स को थोड़ा और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए मैं इसके ऊपर एक सिंपल सी पेंटिंग कर रही हूँ। मेरे पास येलो एक्रिलिक पेंट्स हैं जिसके साथ मैं यहाँ पर इस तरह से सिंपल पोल्का डॉट्स लगा लूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स भी इस कवर के ऊपर कर सकती हैं। मुझे इसे बहुत ही सिंपल रखना था इसलिए मैंने इसे दूर दूर इस तरीके से पोल्का डॉट्स लगा दिए हैं और ये बेड साइड टेबल कवर दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये इसका फाइनल लुक है। आई होप कि ये ओल्ड और यूज्ड जीन्स का ये डीआईवाई आपको पसंद आएगा और ये कवर्स बिछाने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से आप अपने ओल्ड फैब्रिक को रीयूज करके जब भी अपनी बेडशीट्स को बदलें उनके साथ साथ अपने बेड साइड टेबल्स के कवर्स को भी चेंज कर सकती हैं, जिससे कि आपके रूम का एक न्यू लुक निकल कर आएगा और ये दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। दोनों टेबल्स के कवर्स पर मैंने ये सिंपल से पोल्का डॉट्स लगा लिए थे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अलग अलग तरह की पेंटिंग भी इस तरह की जींस के फैब्रिक के ऊपर बना सकती हैं। अपने नेक्स्ट कवर्स को बनाने के लिए मैं यहाँ पर रीयूज कर रही हूँ कॉटन के ओल्ड दुपट्टे का। अगर आपके पास भी इस तरह के प्रिंटेड या फिर प्लेन कॉटन दुपट्टे रखे हैं तो ये बहुत ही अच्छा वे है उन्हें रीयूज करने का। मैंने अपने टेबल के अकॉर्डिंग ये दुपट्टे को कट कर लिया है और इसे कट करने के बाद मैं इसकी सीम्स पर स्टिचिंग लगा दूंगी, जिससे कि इसके चारों साइड एक फिनिशिंग आ जाएगी। अब इसे थोड़ा और न्यू लुक देने के लिए मैं इस पर हैंग कर रही हूँ टेसल्स को। टेसल्स वाले टेबल कवर्स और रनर्स अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है और टेसल्स को बनाना बहुत ही ज्यादा इजी भी है। इन टेसल्स का मैंने अपना ट्यूटोरियल अपने प्रीवियस वीडियो में दिया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां जाकर चेक कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपली तीन तीन टेसल्स बना लिए हैं ईच कवर के लिए। तो मैं यहाँ पर इस तरह से इन टेसल्स को इन कवर के एक साइड पर हैंग कर दूंगी। यहाँ पर ये कवर्स मैंने अपनी बेड साइड टेबल के लिए बनाए हैं इसलिए मैं इन टेसल्स को एक ही साइड हैंग कर रही हूँ। अगर आप इस तरह का कवर अपनी कॉफी टेबल या फिर किसी स्टूल के लिए बना रही हैं तो इस तरह के टेसल्स को चारों ओर भी हैंग कर सकती हैं, ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो इन टेसल्स को मैंने सिंपली इसके थ्रेड को नीडल में डालते हुए इस कवर्स के एक साइड पर हैंग कर दिया है। तीन तीन टेसल्स मैंने एक एक कवर पर लगा दिए हैं और ये इसे कवर को बहुत ही अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। आई होप कि ओल्ड दुपट्टे का ये रीयूज आपको पसंद आएगा। और इन
इन कवर्स को मैंने अपनी बेडसाइड टेबल्स पर लगा लिया है और ये दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। इस तरीके के अगर आपके पास भी प्रिंटेड या फिर प्लेन कॉटन दुपट्टा रखे हैं तो आप उनका इस तरीके से बेडसाइड टेबल कवर्स बना सकती हैं या फिर कॉफी टेबल के लिए भी कवर्स बना सकती हैं। आप जब भी अपनी बेडशीट्स चेंज करें उनके साथ साथ इन्हें भी चेंज कर दीजिए और ये दिखने में मैचिंग लगते हैं और बहुत ही ज्यादा फ्रेश लुक देते हैं हमारे रूम को भी। आई होप कि ओल्ड जीन्स और ओल्ड दुपट्टे से बनाए गए ये टेबल कवर्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे और अगर आपको ये DIY पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर योर टाइम।